है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, ठीक है, कि प्राइमरी वैलेंसी क्या बोल रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी, ये तुरंत अभी और क्लियर होगा। क्या बोले थे वार्नर थ्योरी, क्या क्या साइंटिस्ट जो थे वार्नर नाम के, उन्होंने क्या किया, कंपाउंड लिया COCl3 PtCl3 इस टाइप का, ठीक है, एडिशन कंपाउंड ऑफ NH3, बेसिकली इसमें एडिशन देखने उन्होंने किया NH3 का, तो बन करके आया COCl3.6 NH3, COCl3.5 NH3, COCl3.4 NH3, COCl3.3 NH3, इस तरीके से। तो उन्होंने फिर उन्होंने ही बताया कि हर एक मेटल जो होता है वो दो टाइप के वैलेंसी उसमें होते हैं, ऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो रहता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेगा केवल एनायन से, सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाइड रहेगा वो एनायन एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड से। प्राइमरी वैलेंसी डिनोट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या डिनोट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और सेकेंडरी वैलेंसी डिनोट करेगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नेचर का होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल नेचर का होता है, ठीक है। ये प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होता है, इसलिए वो ज्योमेट्री को बता पाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश लाइन से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थिक लाइन से, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अभी वो सारा पॉइंट को हम दोबारा एग्जाम्पल देते समय आपको समझाएंगे। उसके बाद फिर आता है डिस्टिंग्विश, किस तरीके से इसको और अच्छे से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है हम लोग समझेंगे कैसे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मेथड, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मेथड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड, तो बोलता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाइयर होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ आयन्स होंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, चार्ज के बारे में जानते होंगे, कि जितना ज़्यादा आयन्स होंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितना उसका ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यदि नंबर ऑफ आयन्स आर सेम, यदि दोनों में, ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स आपका सेम रहेगा, लुक फॉर द चार्ज, क्या हम लोग देखेंगे, चार्ज को देखेंगे, जितना ज़्यादा हाइयर चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या K3, ठीक है, K3Fe, Fe, ठीक है, CN का होल 6 ये है, ठीक है। और दूसरा वाला जो दिया हुआ है, B जो दिया हुआ है वो है K4, ठीक है, Fe CN का होल 6 ये दिया हुआ है। तो अब इसमें देखेंगे तो ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा 3K+ और FeCN का होल 6-3 में। टोटल आयन्स इसमें कितने हो जा रहे हैं, चार, ठीक है, तीन यहाँ पे और एक पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितने हो जा रहे हैं, चार, तीन यहाँ पे, 3K, तीन यहाँ पे और एक यहाँ पे, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4। यहाँ पे जाएंगे तो ये 4K में टूटेगा, ठीक है, ये 4K+ में टूटेगा और साथ ही साथ ये पूरा माइनस, तो कितने आयंस हो गए, 5। आयंस किस में ज्यादा है, इसमें, ठीक है, किसमें ज्यादा हो गया, बी में, ठीक। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये, तो फिर ये क्या बोला था, हाइयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर विल बी द नंबर ऑफ आयंस, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, नंबर ऑफ आयंस रहेगा। तो ज्यादा आयंस किस में मिल रहे हैं आपको, बी वाला में मिल रहा है, ठीक है, बी वाला में। तो आंसर जो है वो बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, बी ग्रेटर देन ए, यहाँ लगता है उल्टा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक है, बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें ये वाला एग्जाम्पल में देखेंगे, ये पूरा, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, SO4, ठीक, तो SO4 टूटेगा कैसे, SO4 2- में, ये किस में, प्लस में, ये वाला किस में टूटेगा, प्लस में, ठीक है, और ये Br- में, ये Br- और ये प्लस, तो दोनों में देखेंगे, किसको देखेंगे इस बार, तो नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस दोनों में सेम है, कैसे, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो कितने हो गए टोटल, 2, इसमें भी कितना हो गया, ये 1, और ये वाला क्या हो गया, 1, तो नंबर ऑफ आयंस सेम है, तो फिर किसको देखेंगे हम लोग, चार्ज को, तो चार्ज किस में ज़्यादा है, तो भाई इसमें ज़्यादा है, ये +2 -2 वाला है, ये +1 और -1 वाला है, ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसमें होगा, ए में। बात समझ में आई, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ में आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे प्रेसिपिटेशन, ठीक है,
प्रिसिपिटेशन मेथड, ठीक है, प्रिसिपिटेशन मेथड। तो ये वाला जो है इसमें क्या आ जाता है आपका अमाउंट, ये क्या बोलता है प्रिसिपिटेशन मेथड में? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, हाँ आवाज नहीं आ रही, अभी आ रहा है क्या? हेलो, अभी आ रहा है क्या आवाज? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, अभी आ रहा है। ओके 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 ओके, लास्ट पॉइंट फिर से रिपीट करो ना। ये ऊपर वाला क्या? हाँ वही हाँ वही। इसमें क्या हुआ कि दोनों का जो आयंस है वो सेम रहा। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, ये पूरा का पूरा एक है सिंगल, और ये भी SO4 पूरा का पूरा एक सेम है। ये तो ये कितना हो गया, वन हो गया ये, और ये भी वन हो गया। यहाँ ये देखोगे तो ये भी, ये क्या है तुम्हारा, पूरा का पूरा वन ही है, और ये BR अकेला ये भी वन ही है। तो आयंस इस दोनों में सेम रहे, ठीक है। तो फिर हम लोग किसके लिए जाएंगे, चार्ज के लिए। तो यहाँ प्लस टू में है, तो यहाँ माइनस टू में, मतलब चार्ज कितना है, मतलब दो आ रहे हैं, और यहाँ पे प्लस और माइनस में यहाँ एक आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फिर किसके हम लोग देखेंगे, यदि नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे तो चार्ज से, तो कौन ज्यादा हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। प्रिसिपिटेशन मेथड ये क्या बोलता है कि अमाउंट या फिर मोल्स ऑफ पीपीटी फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग द कॉम्प्लेक्स विद सुटेबल रिएजेंट, यानी कि हम लोग इस तरीके के किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, इस तरीके के किसी भी कंपाउंड में यदि हम लोग सुटेबल रिएजेंट के साथ हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, जिसके साथ इसका रिएक्शन हो, तो वो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि FeCl3.6H2O, AgNO3XS यदि हम लेते हैं तो ये क्या, तीन Cl नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रिसिपिटेट बन गया 3AgCl। क्या बन गया, 3AgCl। इसका मतलब कि Cl कितना मोल हम लोग बेसिकली, इसका मतलब कितना मोल AgNO3 इस्तेमाल हो रहा है, तीन मोल। ये भी एक्सेस में था लेकिन कितना इस्तेमाल हुआ है, तीन। तभी तो ये तीन Ag इस्तेमाल हुआ है ना, यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। और Cl भी कितना आया है, तीन, यानी बेसिकली Cl यहाँ से आयोनाइज होकर के बाहर निकला है, तभी तो आया होगा यहाँ। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा, ये FeH2O का होल सिक्स और ये Cl3 बाहर, ठीक है, बाहर रहा है तभी ये फिर क्या हुआ है, बाहर रहा है तभी ये फिर क्या हुआ है, ये ब्रेक होकर के किसमें, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। और जब AgNO3 डाला गया तो क्या बन गया, Ag के साथ ये Cl मिल गया और क्या बन गया, AgNO3 प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कर दिया। यानी कि यदि हम इसी को अगले दूसरे तरीके से देखते हैं, यही वाला एग्जाम्पल सेम, एक्सेस डाला हुआ है और 2AgCl हो जा रहा है, तो 2AgCl हो जा रहा है, इसका मतलब फिर क्या हो जा रहा है, इसका मतलब कि दो ही क्लोरीन बाहर रहा होगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा, ये दो क्लोरीन बाहर रहा होगा और एक वाटर, ठीक है, पांच ही वाटर अंदर रहा होगा, यहाँ छह का छह वाटर अंदर रहा, ठीक, तीनों Cl बाहर, तो तीनों निकल गया। अब यहाँ पे दो ही Cl बाहर रहा होगा तभी तो 2AgCl बना, और करके क्या बन गया होगा, Fe, ये रहा H2O का होल फाइव और ये Cl, ये ऐसे, ठीक है, और साथ ही साथ किसमें टूट गया होगा, ये प्लस टू और ये टू Cl माइनस, और फिर इसके बाद ये क्या, AgNO3, और रिएक्शन करके क्या बन गया होगा, 2AgCl ये बन गया होगा। बात समझ में आया क्या चल रहा है ये, ठीक। अब इसी में बोलता है कि इसका रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा देते हैं तो नो वेट लॉस होता है, कोई वेट लॉस नहीं होता है। अब वेट लॉस नहीं होना, अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, तो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आगे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम आता है। क्या, डिहाइड्रेटिंग, यानी वाटर को बाहर निकालता है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे ये काम आता है, यानी वाटर को बेसिकली माइनस H2O करता है। तो जो भी होगा तो वो कब होगा, जब वो आयोनाइजेशन स्फीयर में रहेगा तब, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट से बाहर रहेगा तब। लेकिन बोलता है कि कोई वेट लॉस नहीं हुआ, यानी कि वाटर बाहर रिमूव नहीं हुआ, बेसिकली ऐसा समझ सकते हो। तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि सारा का सारा वाटर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही रहा होगा। समझ में आया, ये चीज है। अब एक तुम्हारा आता है क्रायोस्कोपिक मेथड, ठीक है, क्रायोस्कोपिक मेथड। तो क्रायोस्कोपिक मेथड क्या बोलता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे ये वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, तो डेल HF, ठीक है, डेल, ये TF बेसिकली है, डेल TF, ठीक है, डेल TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, मतलब कि ये सॉल्यूशन में पढ़ोगे, ठीक है, फ्रीजिंग
को लेकर के है ये, ठीक है। बोलता है बेसिकली आई जो रहता है ना वो वार्मथ ऑफ फैक्टर होता है। अब ये क्या कहने का मतलब, ये इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कितना नंबर ऑफ आयंस जो है वो प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में। तो ये वाला तुमको तब अच्छे समझ में आ जाएगा जब सॉल्यूशन में एक बार तुम सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक बार देख लोगे। तो कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, एक बार सॉल्यूशन जब देख लोगे पढ़ लोगे तो उसको आकर के एक बार इसको रिवाइज मारते समय अच्छे से एक बार देख लेना है। तो आई बेसिकली क्या बताता है, कितना नंबर ऑफ आयंस जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है, यानी कि है इंफॉर्मेशन ये किसके बारे में देता है, नंबर ऑफ आयंस के बारे में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है ये। तो एज्यूम क्या करते हैं 100% आयोनाइजेबल, ठीक है, एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्यूशन में देखोगे, सॉल्यूशन चैप्टर में, तब जा करके अच्छे से समझ में आएगा। वहां से हम रिलेट कर दिए हैं, चूंकि सॉल्यूशन जनरली कभी कभी पहले पढ़ा गया, हम वहां से भी इसको रिलेट करके आगे बढ़े। अब देखो जरा सा प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, दोबारा हम लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है, उस चीज को समझते हुए, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब फिर से वो चीज हम तुमको बता रहे हैं कि ये क्या है अपना COCl3, उसमें 6NH3 है, ठीक है, 6NH3 है, ठीक, 6NH3 एडिशन हुआ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, 6NH3 बन रहा है ये, यहाँ पे 5ENH3 बन रहा है, यहाँ पे 4NH3 बन रहा है, यहाँ पे 3NH3 बन रहा है, और उसमें क्या डाले हैं एक्सेस, ये एक्सेस है जी, एक्स और एस लिखे हैं ना, तो ये एक्सेस है, ध्यान में रखना एक्सेस, ठीक है, एक्सेस ऑफ HgNO3 डाल रहे हैं। तो एक्सेस ऑफ HgNO3 डालने के बाद ये एक्सपेरिमेंटल क्या बनता है यहाँ पे, तो 3 moles क्या बन जाते हैं AgCl3, ठीक है, 3 moles क्या बन जाते हैं AgCl3, ठीक, इसका मतलब इसका आई कितना होगा, ठीक है, आयोनाइजेशन कितना होगा, कितने आयंस बन रहे हैं 4, कैसे, तो जाहिर सी बात है कि इसका फॉर्मूला फिर क्या रहा होगा, फॉर्मूला क्या रहा होगा, CO, ठीक है, और NH3 का होल 6 और ये ऐसे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा Cl3, तभी तो ये फिर से वही वाला जो ऊपर वाला हम लोग देखे हैं, सेम ये वाला, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि Cl3 के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये टूट जाएगा, ठीक है, ये टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट सेम रहेगा और ये निकल करके क्या बन जाएगा 3AgCl। तो 3 तो यहाँ हो गए, ठीक है, टोटल आयंस कितने बने यहाँ पे, एक तो ये पूरा पार्ट और 3 ये बन गए, तो टोटल कितना हो गया 4, ठीक है, इसलिए I is equal to क्या आ जाएगा 4, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने 3, क्योंकि ये 3 बाहर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा 5NH3 है यहाँ पे, और दो ही AgCl तुम्हारा क्या हो रहा है बाहर, दो ही AgCl बन रहा है, इसका मतलब कि ये क्या रहा होगा, ठीक है, NH3 का होल 5 और एक Cl अंदर, एक Cl अंदर और ये Cl2, तभी ये Cl2 बाहर, और दो Cl2 के साथ 2AgCl बन जाएगा, ठीक है, 2AgCl, और आयंस कितने 3, दो ये और एक ये, अब इसका क्या हो जाएगा CO, ठीक है, NH3 का होल 4 और ये क्या हो जाएगा Cl2, ठीक है, और ये बाहर में क्या रहेगा Cl। तो आयंस कितने बनेंगे 2, एक ये और एक ये वाला, टोटल आई ये, और AgCl को जो ये Cl बाहर निकलेगा इससे क्या बन जाएगा AgCl, और इसमें एक भी नहीं, सबका सब Cl क्या रहेगा अंदर रहेगा। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स वाला जो खेल है वो बताता है। उसके बाद ध्यान में रखना है ये कि प्राइमरी वैलेंसी इसका क्या रहेगा 3, प्राइमरी वैलेंसी इसका क्या रहेगा 3, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेंगे 6। कैसे वो हो रहा है वो हम अभी तुरंत समझाते हैं। जैसे ये देखो, ये पहला वाला तुम्हारा है, पहला वाला क्या था अपना, जो पहला निकल रहा था CONH3 का होल 6 और ये आ जाएगा आपका Cl3। ये तो इसका मतलब क्या, ये तो आयंस में कन्वर्ट है, तो ये तो क्या है आयोनिक बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आयोनिक कंपाउंड की तरह है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में बात करें तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3Cl- में। और आयोनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन डायरेक्शनल किसने था, प्राइमरी वैलेंसी में, यानी कि ये वाला क्या बेसिकली है प्राइमरी वैलेंसी वाला, और अंदर वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये क्या बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आया, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो 6NH3 है तो 6NH3 क्या हो जाएगा, यस, ऑक्टाहेड्रल या फिर पिरामिड, ये स्क्वायर बाय पिरामिडल,
तो ये चारों तरफ हम लोग ये डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये वाला आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे ये आ गया आपका NH3, ठीक है। यहाँ पे ये, ठीक, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये चार NH3 स्क्वायर में, ठीक है, प्लेन पे, ये सारा प्लेन पे रहेगा और ये ऊपर और ये नीचे, ये कोऑर्डिनेट करेंगे NH3 स्ट्रक्चर। थोड़ा सा और अच्छे से देखना चाहो तो ये वाला ऊपर सब इस तरीके से पिरामिड नजर आएगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। और ये कहाँ नजर आएगा, ये नीचे नजर आएगा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा नजर आएगा नीचे से। तो एक ऊपर भी नजर आएगा और एक नीचे भी नजर आएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल टाइप का ये बनेगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऊपर भी और नीचे भी ये बनता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया, उसके बाद ये वाला यदि हम लोग देखें तो अब ये आयंस जो है प्राइमरी वैलेंसी, वो क्या हम बोले थे कि डॉटेड लाइन से होगा, तो ये डॉटेड लाइन से इसको दिखाया गया है, किसी भी डायरेक्शन में दिखा दो, कोई इसका फिक्स नहीं है, ठीक है, बस स्ट्रक्चर अच्छा लगे इसलिए हम इसको ऐसे दिखाए, ठीक, समझ में आया। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी, तो ये NH3 जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहा है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा, बोले था ना कि सेकेंडरी वैलेंसी डोनेट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, एंड प्राइमरी वैलेंसी क्या करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, इसका मतलब ये कितने हैं, 3 ही नजर आ रहे हैं, समझ में आया। चलो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये 5 वाला आप समझ में आते जाएगा, तो इसमें 5 है, तो 5 है तो ये 5 आपको नजर आ रहे हैं, एक यहाँ, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर ये बना, ठीक है, और ये पिरामिड की तरह बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल ये बनेगा। और यहाँ पे ये प्राइमरी वैलेंसी ये और ये प्राइमरी वैलेंसी ये और ये प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, यहाँ पे एक Cl बाहर है तो प्राइमरी वैलेंसी एक ये बनेगा, एक सेकंड थोड़ा सा, ये तो यहाँ पे एक सेकंड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ एक सेकंड अब दिखाई दिया, हाँ सर अभी दिखाई दे रहा है, ठीक। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए थे, इस वाले में ये Cl क्या था, बाहर था, अब देखोगे यहाँ पे तो एक Cl क्या हो गया है, यहाँ पे अंदर हो गया है, ठीक है, एक Cl अंदर हो गया है, समझ में आ रहा है, एक Cl क्या हो गया, अंदर हो गया। तो अब देखो ये एक्ट करेगा, ये देखो एक्ट करेगा, जरा सा ध्यान से देखना यहाँ पे इस Cl को, ठीक है, इस Cl को, अब दो Cl तो बाहर रहेंगे, ये तो फिक्स है, कैसे हो गया प्राइमरी वैलेंसी की तरह, लेकिन ये वाला Cl अब चूंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया है तो ये एक्ट करेगा एज अ, ये इसको हम लोग ये इस लाइन से भी दिखाएंगे, ठीक है, थिक लाइन से भी दिखाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको डॉटेड लाइन से भी दिखाते हुए रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी का भी पार्ट रहा है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम, ये प्राइमरी वैलेंसी का ही पार्ट रहा है इसीलिए, क्लियर। अब जैसे अब दो Cl बाहर आ गए, दो Cl अंदर आ गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, एक ही बाहर है यहाँ पे, तो इसका चार्ज तो सेम होगा, +3 ही रहेगा, ठीक है, +3 ही रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको रिप्रेजेंट करता, वही प्राइमरी वैलेंसी डिनोट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर,
तो ये दो अब थिक लाइन से भी नजर आएंगे, थिक लाइन से क्यों, क्योंकि ये अंदर आ गए हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और ये वाला थिक लाइन से आएगा और ये डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर को बताने में मदद कर रहा है, और एक जो बचा ये तो होगा ही, ठीक, इस तरीके से ये हम लोग करेंगे, और ये वाला तुम खुद से एक बार ट्राई करो, ये वाला जो है, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखो जरा सा, अब फिर से ये वाला हम सवाल लाते हैं, ठीक है, सेम सेम, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, PtCl4.6NH3 एक्सेस AgNO3 डाले हैं, तो n ऑफ AgCl, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl ये कितना बन रहा, 4, अब 4 बन रहा है, इसका मतलब क्या कि चारों Cl कहाँ होगा, बाहर या अंदर, बताओ जी, चार AgCl बन रहे, मतलब चारों Cl बाहर होगा या अंदर होगा, बाहर, हाँ बाहर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुमको क्या नजर आएगा, चारों Cl क्या नजर आएगा, बाहर, क्योंकि बाहर रहेगा तभी तो ये AgCl फिर बनाएगा, 4AgCl बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखो 5NH3 है, 5NH3 और सेम ये है, इसका मतलब है, और यहाँ पे 3 ही बन रहा, 3 ही बन रहा, इसका मतलब कि कितने Cl बाहर रहेंगे, 3, ठीक है, 4 बन रहा है तो कितना, सॉरी यहाँ 2 बन रहे हैं तो कितने Cl बाहर रहेंगे, बाहर 2, 1 बन रहा है तो कितना Cl बाहर रहेगा, 1, तो ये पूरा का पूरा है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना कि ध्यान में रखोगे कि PT और PD प्लस 2 में रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करेगा, और प्लस 4 में रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा 6 शो करता है, ये एकदम का एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज के लिए यही हम छोड़ते हैं, ठीक है, आज तो अपने को केवल नोमेनक्लेचर तक करना था, लेकिन फिर भी कर दिए, कल हम लोग जो है ना वर्नर थ्योरी तो अपना खत्म हो चुका है, ठीक है, उसके बाद ड्रॉबैक कर लेंगे वर्नर थ्योरी का, ठीक है, और उसके बाद फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, या यहाँ चाहें चलो इसको भी देख ही लेते हैं, पूरा खत्म करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है कि इन ABCD चार जो ऊपर में दिए हुए थे वो ABCD, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग PPT आउट 1/4, ठीक है, ऑफ टोटल Cl, 1/4 ऑफ टोटल, हेलो अभी भी नहीं आ रहा है, हेलो अभी आ रहा है सर, हाँ, बीच में कट हो जाता है, ओके ओके ओके, तो सर बीच में आवाज कट हो रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आ रहा है क्या, हेलो, हाँ अभी आ रहा है, ठीक ठीक, तो कहता है कि ABCD में कौन सा ऐसा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपीटी आउट 1/4 ऑफ Cl टोटल Cl माइनस प्रेजेंट इन इट ऑन ट्रीटिंग विद एक्सेस AgNO3, सिंपल सी बात है, 1/4 ऑफ, ये देखो अब Cl जो है 1/4 तुम्हारा क्या, मतलब Cl यदि 4 है तुम्हारा, Cl माइनस कितना 4, तो 1/4 ऑफ टोटल Cl का क्या मतलब हो गया, टोटल Cl तो तुम्हारा कितना है, 4 ही है ना जी, ठीक है, 4 है, तो 1/4 ऑफ टोटल Cl का मतलब क्या हो गया, ये एक, ठीक है, तो 1 Cl का PPT यानी कि बोल रहा है, तो 1 Cl कहाँ होना चाहिए तुम्हारा, आयोनाइजेशन स्फीयर में यानी कि बाहर, तो 1/4 वही हो गया, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, D, जिसमें 1 Cl ही केवल बाहर है, देखो D वाला, D देखो ये वाला देखो ये, तो इसमें 1 Cl ही केवल बाहर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, 1/4 टोटल Cl कितना था 4, तो 1/4 PPT फॉर्म्ड कब करेगा, 1/4 PPT कब फॉर्म करेगा, जब 1 Cl बाहर रहेगा, ठीक है, उसके बाद बोलता है, हाँ उसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यील्ड PPT ऑफ AgCl विथ AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, AgNO3 के साथ सॉल्यूशन के साथ कौन कौन करेगा, देखना पहला बोलता है विनाइल क्लोराइड, कार्नेलाइट, ये दिया हुआ है सब, तो देखो जल्दी से विनाइल क्लोराइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है लोन पेयर, ठीक है, तो ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, डबल सिंगल लोन पेयर होगा ना, याद आ रहा है, हेलो,
हाँ सर याद आ रहा है। हाँ तो ये रेजोनेंस में, अब रेजोनेंस में है तो ये ब्रेक वर्क करके बाहर नहीं निकलेगा, तो विनाइल क्लोराइड AgCl के साथ प्रिसिपिटेट नहीं बनाता। हाँ ये कार्नेलाइट है तो ये टूट जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये मिक्स्ड सॉल्ट है, मतलब मिक्स्ड सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, तो ये पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 Cl यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, तो 3 Cl- मिलेगा, ये करता है। ये नहीं करेगा क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ फिर से ये रेजोनेंस में रहेगा, ये Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये ऐसा, तो ये फिर से रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है, फिर से रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होगा तो ये फिर नहीं देगा, यहाँ पे ये देगा, ये देगा, क्योंकि ये 3NH3 है, 4 है, तो 1 Cl तो जरूर बाहर रहेगा, अभी ऊपर में जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, PT कोऑर्डिनेशन नंबर कितना यहाँ पे हो जा रहा है, 6, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जा रहा है, 6, 3 और 3, 6, तो 1 Cl क्या रहेगा बाहर, तो ये देगा। COCl3.NH3, अब इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, ठीक है, तो एक भी Cl बाहर नहीं, और एक भी Cl बाहर नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं देगा, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला देगा, क्योंकि ये वाला Cl रेजोनेंस में है, ये वाला Cl रेजोनेंस में नहीं है, तो ये बाहर निकलेगा और ये देगा, ठीक है। इम्प्योर CHCl3, तो ये भी देगा, क्योंकि ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाता है क्या, एक सबसे पहले किस में निकलता है, ये एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बन जाएगा, CCl3 निगेटिव, और फिर ये एक Cl यहाँ से बाहर निकलता है, और ये बन जाता है COCl2, ठीक है, आगे रिएक्शन जो है वो क्या बना देता है तुम्हारा, COCl2 बना देता है, ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से जो Cl बेसिकली बाहर निकल सकता है, आयोनाइज हो सकता है, वो प्रिसिपिटेट बनाएगा, जो आयोनाइज नहीं हो सकता वो प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में ABCD ऐसे करके दिया हुआ, अब आप कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ड्रॉबैक क्या रहा, ड्रॉबैक क्या रहा, ड्रॉबैक रहा वार्नर थ्योरी का कि वाई कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय सेम मेथड, सम मेथड, ठीक है, वाई कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय सम मेथड, अदर मेटल्स डू नॉट फॉलो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, यानी कि कुछ ही मेटल्स जो है वो फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय सम मेटल्स, मतलब कि कुछ ही मेटल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स बना, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स मेटल मतलब कि कॉम्प्लेक्स मेटल जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर रहा, उसका रीजन क्या है ये नहीं एक्सप्लेन किया था। हाउ सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड द ज्योमेट्री, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे डिसाइड कर रहा है ज्योमेट्री, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि आइसोमेरिज्म के बारे में उसने कुछ इसमें नहीं बताया था, तो 3 इसके ड्रॉबैक है जो कि उसने नहीं बताया था, ठीक है, जिसके कारण ये आगे मतलब कि इस पे फिर से काम किया गया और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया। तो अगले क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट करें, ठीक है, तो चलो आज यही रोकते हैं, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। ठीक है, डाउट सेशन में फिर से मिलेंगे, वहाँ कोई प्रॉब्लम रहे तो मिल सकते हैं, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।